ये है बजरंग पानीपुरी वाले, इनका पानीपुरी का धंधा है, ये पानीपुरी बनाते हैं और शहर में काफी फेमस है। उल्की माता मंदिर के जस्ट सामने का इनका लोकेशन है। तो ये देखो, ये देखो इनका पानी बना हुआ है और दो प्रकार के पानी रखते हैं, एक इस प्रकार का है और एक ये दूसरा जो है वो इस प्रकार का पानी, हमेशा इनके फ्रेश और ताजे बतासे मिलते हैं। शुभ नेम भैया क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, आपने ये काम की शुरुआत कब से की है? अच्छा, महाराष्ट्र में चाचा जी करते थे। अच्छा, महाराष्ट्र से फिर आपने सोचा अपना स्वयं का करें। इंजल अभी और कुछ बनना चाहिए, जैसे एक ठेला है सोचते हो और चार ठेला वहाँ हो जाए? वहाँ लड़के नहीं मिल रहे। अच्छा, नहीं तो लड़के मिल जाते तो चार चालू और हो जाते ठेले। हाँ हाँ भाई, ये है बजरंग पानीपुरी वाले, इनका पानीपुरी का धंधा है, ये पानीपुरी बनाते हैं और शहर में काफ़ी फेमस है। उल्की माता मंदिर के जस्ट सामने का इनका लोकेशन है। तो भैया पानी ये आप दिखा सकते हैं, आपका कैसा पानी बना हुआ है, तो पानी में आप क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं इसका अच्छा पानी? लो ये देखो, देखो इनका पानी बना हुआ है और दो प्रकार के पानी रखते हैं, एक इस प्रकार का है और एक ये दूसरा जो है वो इस प्रकार का पानी, ठीक है, वही बतासे हैं, हमेशा इनके यहाँ फ्रेश और ताज़े बतासे मिलते हैं। तो बजरंग, आपका शुभ नेम भैया क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार, संजय कुमार जी, आपने ये काम शुरुआत कब से की है? 12 साल से कर रहे हो। 12 साल से यहीं पर नित कर रहे हो? 5 साल वहाँ लगाया, 5 साल यहाँ हो, 2 साल हाथी मंदिर पर भी लगाया, मतलब बहुत अनुभव है आप। अच्छा, तो मुकाम पर पहुंचने के लिए मतलब कितनी है, क्या क्या मुकाम पर कैसे पहुंचे मंजिल तक, मतलब शुरुआत में आपको किसी से प्रेरणा मिली या खुद से आइडिया आया कि बिजनेस हम खुद करेंगे? अच्छा, महाराष्ट्र में चाचा जी करते थे। अच्छा, महाराष्ट्र से फिर आपने सोचा अपना स्वयं का करें। तो अभी आपको सफ़र में कैसा सफ़र रहा आपका, जो आपने खुद किया उसमें सफ़र में कोई अड़चन बाधा कठिनाई कुछ नहीं आई, सब बराबर चलता रहा, दुकानदारी भी ग्राहकी भी बराबर रही है, और वर्तमान में अभी ग्राहकों से कैसे संबंध है आपके? ठीक है, संबंध बढ़िया है, मतलब कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा, तो मुकाम से मंजिल से अभी आप कितना दूर हैं या मंजिल की उस तरफ कितना चले आए? मंजिल अभी और कुछ बनना चाहिए, जैसे एक ठेला है सोचते हो और चार ठेला वहाँ हो जाए? वहाँ लड़के नहीं मिल रहे। अच्छा, नहीं तो लड़के मिल जाते तो चार चालू और हो जाते ठेले। हाँ, मतलब इसका मंजिल अभी अब रास्ते में ही हो, अभी भाई मंजिल तो आपकी हो सकता है 10 ठेलाओं की होगी, हमारे 10 ठेला और लगे हैं, 10 बारी पड़ी और हमारे बजे। अच्छा, और सफ़र में कोई कठिनाई बाधा कभी आई नहीं, और इससे कितना क्या कमा लेते, मतलब घर का गुजारा जारा हो जाता, अपने घर का हो जाता? पानीपुरी तो आपकी बहुत टेस्टी है, मैंने भी खाई है कई बार, मैं आया हूँ उसमें, तो कोई लल्लन टॉप पानीपुरी बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो और या नए जो यात्री हैं उनको जो पानीपुरी का धंधा करना चाहें उनके लिए आप 5 शब्द बोलें, नए यात्रियों के लिए जो नया धंधा करना चाहते हो पानीपुरी वाला। दूसरे शहर में कहीं तो आप सुझाव दे देते हो, धंधा मतलब बढ़िया है, कोई भी कर सकता है, तो नए यात्रियों के लिए आपकी यही है कि कोई भी कर सकता है, तो कुछ नहीं पानी बना। अच्छा, आप पानीपुरी ये घर पे बनाते हो या आप खुद ही बनाते हो? पानी तो बनाते ही खुद हो, पानीपुरी भी खुद बनाते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।